दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज में अखंडित श्रेणी की। अखंडित श्रेणी है, उसे हम सतत श्रेणी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। ये तीन मेथड होते हैं इसके अंदर, उनमें दो दो थे, इसमें तीन है। एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक लघु रीति और एक पद विचलन रीति। तो मैं इसी एक एग्जाम्पल में आपको ये तीनों विधियाँ स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ये दो सीरीज दी हुई रहेंगी, एक तो ग्रुप की, एक फ्रिक्वेंसी की। तो ग्रुप इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, इस प्रकार से आपको ग्रुप दिया हुआ रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 0 से 7 है तो 0 से 7 ही दिया रहेगा, 0 से 2, 0 से 5, 0 से 10, 0 से 20, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपको ये ग्रुप दिए हुए रह सकते हैं। उसके बाद में आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई रहेगी। अब देखिए, आप सतत श्रेणी से कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष रीति से बताता हूँ। सतत श्रेणी से प्रत्यक्ष रीति, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मिड वैल्यू निकालनी है। ये जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप की मिड वैल्यू निकालनी है, मध्यमान। तो मध्यमान देखिए कैसे निकलेगा, 0 और 7 को जोड़िए 7, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएंगे। 7 और 14 को जोड़े 21, 21 में 2 का डिवाइड करेंगे 10.5। 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 17.5। 21 और 28 को जोड़ेंगे तो 49, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे 24.5। इस प्रकार से ये मिड वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इन दोनों ग्रुप को जोड़ते हुए चलना है और 2 का डिवाइड करना है। तो ये मिड वैल्यू आ गई, यानी कि x आ गई। अब x आपके पास है, f है, तो इन f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, fx। अब इस fx का जोड़ कर लीजिए और सिग्मा f का जोड़ कर लीजिए, यानी कि n बोल दीजिए, और ये नीचे वाला सूत्र लगा दीजिए, x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। तो ये तो हो गई आपकी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लघु रीति। ये श्रेणी है सतत, इसके अंदर मैं आपको तीनों जो विधियां हैं वो बताने जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि मैंने यहाँ तक बता दी थी, अब लघु रीति की बात करते हैं। लघु रीति में आपको दो सीरीज दी हुई रहेंगी, ग्रुप और ये फ्रीक्वेंसी की। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकाली, अब लघु रीति से कर रहे हैं तो ये एफ एक्स का कॉलम नहीं बनेगा, अब ये डी एक्स का कॉलम बनेगा, जिसके अंदर ए आपको मानकर चलना है, यानी कि एक्स सीरीज है, इसके अंदर ए आपने मानकर चलना है 31.5। कोई भी संख्या मान सकते हो, मैंने 31.5 माना है, तो ए कल्पित माध्य हो गया, कल्पित मान हो गया आपका 31.5। अब इस एक्स में से उस ए को घटाते हुए चलना है, तो ये संख्या ये आएगी, यानी 3.5 माइनस 31.5 माइनस के 28, 10.5 माइनस 31.5 माइनस के 21, इस प्रकार से ये डी एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब इसे डी एक्स के कॉलम को आपको एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ डी एक्स हो गया। अब इस एफ डी एक्स को जोड़ लीजिए और सिग्मा, ये इसको एफ वाले कॉलम को जोड़ लीजिए, ए आपके पास है ही, अब वही लघु रीति का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। ये थी आपकी लघु रीति। अब बात करते हैं पद विचलन रीति। पद विचलन रीति में भी आपको ये दो सीरीज दी हुई रहेंगी। सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये एक्स। सतत श्रेणी में आप प्रत्यक्ष रीति से करो, चाहे लघु रीति से करो, चाहे पद विचलन रीति से करो, आपको ये मिड वैल्यू अवश्य निकालनी पड़ेगी, अवश्य फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हो गई। उसके बाद में आपको देखो सीधे इस कॉलम पे आ जाना है, यानी उस यहाँ तक ये तीन कॉलम बनने के बाद में ये चौथा कॉलम आपका ये बनेगा, क्योंकि पद विचलन रीति से हम कर रहे हैं। तो डी डी के ऊपर ये डैश दिख रहा है ना, डैश डी डैश एक्स, ये कॉलम बनेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ए ए लेके चलना है, कल्पित माध्य आपने 31.5 ये माना, ठीक है। तो x में से इस 31.5 को घटाते हुए चलना है, लेकिन हमें इस अंतराल का भाग भी करना है, जिसे हम i से व्यक्त करेंगे, यानी कि 3.5 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि इनका जो अंतराल चल रहा है 0 से 7, 7 से 14, 14 से, इसमें सेम अंतराल चल रहा है, यानी कि 7 अंकों का अंतराल चल रहा है, 0 से 7, 7, 7 से 14, 7, तो उस 7 का हमें डिवाइड भी करना है। तो 3.5 में से 31.5 गए 28, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के, इस प्रकार से ये आ गया। अब इस डी डैश एक्स को हमें इस एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा एफ डी डैश एक्स, तो इस प्रकार से आ गया, और इसको योग कर लेंगे। इसका योग करने के बाद में जो फॉर्मूला लगेगा पद विचलन रीति से, वो ये लगेगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डी डैश एक्स बटे एन मल्टीप्लाई आई। आई यानी कि अंतराल, जो इनके बीच अंतर चल रहा है ना, वो अंतराल होता है। तो इस प्रकार से एक ही एग्जाम्पल में मैंने आपको ये तीनों विधियाँ बता दी हैं। आई होप दोस्तों आपको ये अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गुणोत्तर या हरात्मक माध्य पढ़ेंगे।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।